अराकीन पंजाब असेंबली की तनख्वाहों में इजाफे की खबर, शहरियों पर बिजली बनकर गिरी। शहरियों का कहना है कि हम पर टैक्सों का बोझ और अराकीन को मुराद ही मुराद, ये कैसी तब्दीली लाई गई, ये कैसा इंसाफ है। मजीद जानेंगे हसाम अजमल की रिपोर्ट में। अरकान असम्बली की तनख्वाहें हजारों से लाखों रुपए हो गई। तनख्वाहों में इजाफे की खबर सुनकर महंगाई के मारे आवाम परेशान, कहते हैं किस बिना पर अराकीन ने तनख्वाहों में इजाफा किया। हम पर टैक्सों का बोझ और अराकीन को मरात ही मरात, ये कैसी तब्दीली लाई गई है, ये कैसा इंसाफ है। पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में इजाफा, वो हमारे लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उनको किस चीज़ का तनख्वाहों में इजाफा मिल रहा है। वो तो आवाम से पूछ के उनको तो तनख्वाहें देनी जा रही है, क्या उनकी तनख्वाहें बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए। ये किस हवाले से इन्होंने किए हैं या इन्होंने कोई ऐसा काम किया हो, अभी तक तो हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, इनकी तब्दीली वगैरह कोई मामला नहीं नज़र आ रहे। और जिन्होंने किया है आवाम बेचारी उसी तरह पिस रही है, टैक्सों में नए नए टैक्स और मिनी बजट पेश कर रहे हैं। शहरी महंगाई का रोना भी रोते रहे, कहते हैं अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा मामूल बन चुका, बिजली और गैस के बिल्स ने भी मुश्किलात में इजाफा कर दिया, मगर अराकीन की तनख्वाहों में इजाफा समझ से बाहर है। जिन्हों मर्जी पूछ लो, 100-1000 बंदे पूछ लो, तुम 20 बंदे पूछ लो, 10 बंदे पूछ लो, हर बंदा कह गया इन्होंने मतलब बेड़ा गर्क कर दिया। आवाम के ऊपर महंगाई हो रही है, हर चीजें महंगी हो रही है, आटा वगैरह चीनी वगैरह, और ऊपर से इन्होंने अपनी तनख्वाहों में इजाफा कर लिया है, ये नामंजूर होना चाहिए। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि जैसे अराकीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया, हमें भी रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन यासर रफीक के साथ हसाम अजमल, लाहौर न्यूज़।